अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ ये लाहौरी चने। इनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने चने लिए हैं और 3 टेबल स्पून मैंने भर के ना ये वाली लाल दाल लिए, और लहसुन अदरक है 1 टेबल स्पून, प्याज मेरी 2 मीडियम साइज़ कटी हुई है, गार्निश के लिए लेमन है और हरी मिर्च है, ठीक है। और स्पाइसेस में है कोरिएंडर पाउडर है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर है, और ये जी है गरम मसाला होममेड, आप मेरा चेक कर लीजिएगा, गरम मसाला है, और ज़ीरा है 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर है कोरिएंडर पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून, ये मैं आपको डालना बताती हूँ। ये देखिए जी, सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए, पानी में पानी डाल दिया था, मैंने पतीली पर पानी रख दिया था, और उसमें मैं ये चने डाल रही हूँ, क्योंकि इसे पकाना तकरीबन, अगर आप इसमें पतीली में पका रहे हैं तो बहुत देर लगेगी, मतलब 25 मिनट तो लगेंगे, आधा घंटा 25 मिनट लगेंगे, और अगर आप उसमें कुकर में पका रहे हैं तो आपके 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे ये, ना 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और इस वजह से अब हमने सब कुछ इसमें डाल दिया है, डालने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए 25 मिनट के लिए रख रही हूँ कुक करने के लिए, जब तक चने हाफ से 80% गल ना जाए, जब तक ये देखें ना मेरे 80% चने वो गल गए, इनको मैंने हल्की आंच पे 25 मिनट तक ही पकते रहे। अब इसमें लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का इसमें डाल दिया है। अब इसको हम तकरीबन थोड़ा, जब तक ये अब फुल डन नहीं हो जाएंगे, मैं इसको पकाती हूँ, फिर इसका भगार बनाते हैं। देखें ये आधे गल गए, आधा गल गए, जब तक ज़रा सा और हो जाए तो मैं इसका करती हूँ, आपको दिखाती हूँ फिर। जी अब यहाँ 10 मिनट तक ये मैंने और पकाए हैं, 10 मिनट पका के देखें ऐसे हो गए। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितना शोरबा रखना है, कितनी ग्रेवी रखनी है, उसका कितना पतला हो, कितना गाढ़ा हो, तो ये मैं तो वैसे इतना रखूँगी। अब मैं इसके हटाती हूँ और यहाँ ना इसका मसाला फ्राई करते हैं। ये देखें चने हमारे बड़े अच्छे घुल गए हैं ना, दाल भी बिल्कुल मैश हो गई, ज़रा सा 2-3 मिनट इसमें चम्मच ऐसे चला के, ताकि कुछ जो है खिले खिले चने हो, कुछ ज़रा दबे हुए हों। ये मैंने ऑयल अपना गरम करने रख दिया था, 3 सर्विंग स्पून ऑयल है। अब चनों में वैसे ज़रा सा ज़्यादा डलता है तो मैंने उससे ज़रा सा ज़्यादा लिया है, नॉर्मल अगर आपने डालना है तो 3 डालिएगा, और अगर ज़रा सा आपने ज़्यादा डालना है तो 4 कर दें, क्योंकि मैंने चने तो ऑयल खुश कर लेते हैं, चूस लेते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़रा सा ज़्यादा लिया है। प्याज को हमने जैसे बघार के लिए गोल्डन कलर का करते हैं, ब्राउन कलर का इसी तरह का करेंगे। ये देखें हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है, मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, कुटा हुआ पाउडर नहीं है, धनिया क्रश धनिया है, ये भी इसके सालन में भी क्रश धनिया गया है, क्रश पाउडर गया है, और इसके अंदर हम जरा सी 1/2 टी स्पून इसके अंदर हम जीरा डाल रहे हैं, 1/2 टी स्पून बस थोड़ा सा डालना है ताकि वो खुशबू आ जाए इसके अंदर ना। और मैं आपको दिखाना भूल गई कि ये मैं डाल रही हूँ तो बताते जा रही हूँ साथ साथ, और 1/2 टी स्पून ही हमने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर डालना है। डालने के बाद जरा सी हरी मिर्च ले लें, आप 1-2 हरी मिर्च ले लें। मैं अपने चूल्हे को बंद कर रही हूँ, इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ, और ये देखें मैं इस भगार को इसके ऊपर डाल दूँ, ये देखें ये ऐसा बनेगा ना। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कितना पतला रखें, कितना थिक रखें, वैसे ये सही है तंदूर की रोटी के साथ, इतना लिक्विड हो ताकि आपको अच्छा उसका टेस्ट शोरबे का फील हो। और दूसरे ये कि चनों को जो है मैंने भिगोया हुआ था रात को ना, भिगो दें तो उससे ये होगा कि चना बड़ा बड़ा, देखें ये चने बड़े बड़े चने हैं, बड़ा बड़ा चना बने फूल जाएगा आपका ना पानी में,
और ये देखें हम रेडी हो गया। ऊपर से हम काली मिर्चें और के साथ गार्निश करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने गार्निश कर लिया, इसको निकाल लिया बाउल में। इसमें लाल मिर्चें नहीं हैं, ये काली मिर्चों से आपने जितना भी स्पाइसेस को रखना है काली मिर्चें डालनी हैं। और इसके ऊपर भी मैं काली मिर्चें आपको डाल के दिखा देती हूँ। इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।